बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में अब स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इस पर वज़ीर तालीम मुराद राज़ का बयान भी आ चुका है जो कि इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं। मज़ीद 35 स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अब मज़ीद जो है पूरे पाकिस्तान में स्कूल बंद होने जा रहे हैं, इस पर वज़ीर तालीम का बयान आ चुका है। अभी ये आप बयान सुने, इस वीडियो को लाइक करें और सब दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी नीचे ज़रूर कीजिएगा। चलिए अभी ये आप बयान सुनिए। पंजाब में 1,20,000 स्कूल्स हैं। सो अगर कुछ स्कूल्स में आ रहे हैं, हमने पहले भी ये प्लान किया था कि जब कुछ स्कूल्स के अंदर हमें पता लगेगा कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहाँ पे हम फौरन रैंडम टेस्टिंग टीचर्स और स्टूडेंट्स की करवा के और विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स उनको बंद कर देंगे। वी हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट द सिचुएशन कि जहां पे केसेस का पता लग रहा है वहां पे फॉरन टेस्टिंग फॉरन बंद। अगर हमें ये आगे करनी पड़ती है डेट्स और हमें नजर आ रहा है कि चीज बढ़ रही है, एब्सोल्युटली हम आगे करेंगे डेट्स को। ठीक है, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि जी 23rd को खुलने और 30th को खुलने। ये चीजें 15-15 दिन आगे जा सकती है, महीना भी आगे जा सकती है।